मेरे ऑलमोस्ट सारे सेशंस देखे। यस आलू ला भिंडी ला तोर ला गया ला प्याज ला। अच्छा था आपका ऐसे हाँ किसी की याद आ गई। तो ऑलमोस्ट सबने देखे हैं। उल्टा सीधा वाला सेशन देखा है? उसमें मैंने कितने पुशअप्स मारे थे? 25। तो आज 250 पुशअप्स ले तैयार हो। तैयार हो? आओ करो फिर। सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। कितने लोगों को वो जो मेरा उल्टा सीधा वाला सेशन था वो समझ नहीं आया? एक आपको नहीं आया, और कोई दूसरा आपको नहीं आया? नहीं आया, ऊपर से निकल गया। नॉर्मली मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे, बट मैंने कहा एक बार पढ़ के देखता हूँ क्या है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पता है किसके कमेंट्स पढ़ने में आ रहा था? लड़कियों के कमेंट्स। बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब उनको ज़्यादातर को, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ज़्यादातर को सेशन से कोई मतलब नहीं है कि मैंने क्या बोला, अच्छा है बुरा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके कमेंट पता क्या आ रहे? ओह सो क्यूट। So sweet, huh? I love you. ऐसे से कमेंट्स। तो मैं पढ़ रहा तो मैं सोच रहा कि इनके दिमाग में क्या आता होगा। ये वीडियो बेकार है, इसमें शर्ट अच्छी नहीं है, ये बेकार है, इसमें बहुत सीरियस हो गया, बेकार है। तो ऐसी और भी कुछ चीजें आती हैं आप लोगों के माइंड में? बताओ, खुल के बताओ। और है, अभी भी दिख रहा है आपको? ये ऑरा लड़कियों को ही क्यों दिखता है? आज तक किसी लड़के ने नहीं देखा ये ऑरा है। अच्छी वाली फील आती है। थैंक यू जी। अच्छा, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये अच्छा था। और कुछ? आपकी आवाज मैजिकल है। मेरी आवाज मैजिकल है। फिर एक लड़की आ गई। कोई लड़का भी कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है शुरू से लेकर आखिर तक। एनर्जी लेवल बहुत हाई जाता है। सर ज्यादा कैसे बोल लेते हो, क्योंकि बोलने का ठेका तो गर्ल्स के पास होता है। अरे शादी के बाद गुड मॉर्निंग लाइक यू। इन्होंने कहा है, जिसने सुना नहीं है मैं बोल देता हूँ, इन्होंने कहा है कि आप शादी के बाद भी इतना कैसे बोल लेते हो? इसीलिए तो बोल लेता हूँ, घर में मुझे बोलने का मौका मिलता नहीं है, घर में चुपचाप बैठा रहता हूँ, तो सारी भड़ास यहाँ पे निकाल देता हूँ आप लोगों के सामने। हाँ, और कोई मजेदार बात जो आप दिल से अगर दिल पे लगती है और कहीं नहीं करेगी? वो तो मेरी जान आपको देख के लग ही रहा है, जैसे आप आए हो छाए हुए हो, आप ही को देख के करने वाला आज का मैं सेशन। आप हो और मैं हूँ, हम दो लेकिन हमारा एक भी नहीं। सर जब तक वीडियो चलता है लगता है सक्सेस मिल जाएगी, जहाँ वीडियो खत्म काम खत्म होता होगा। आई एम श्योर कि जब वीडियो चल रही होती है तब तो माइंड में आ रहा होता है कि बस अब तो हो गया, अब तो मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और वीडियो खत्म होने के बाद ना फट जाती है। अबे अब क्या करूँ, वीडियो तो खत्म हो गई, सपनों की दुनिया से बाहर आ गया, अब मैं क्या करूँ। पेपर में ये तो जाता है, चलो कुछ आता नहीं है मगर मोटिवेशन तो है, कुछ तो करेंगे आगे पीछे से, कहीं से कुछ तो करेंगे। आप इस उम्र में भी पेपर दे रहे हो? मजाक कर रहा है। बोल तू मुझे क्यों बता रहे कि मैं जाऊं या ना जाऊं? सीधी सी बात है। आए देने वाले होते हैं ना, जैसे घर पे जाते हैं तो 7-8 दिन में मंडली बना लेते हैं। मेरे मैथ और बायो दोनों दिन पे साइंस में तो एक कहता है फार्मेसी करा लो जी। कैसे बोलते हैं दोबारा से बोलना, कैसे? नहीं मजा आ रहा है थोड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं ना वीडियो में? चलता है। तो क्या होता है जब वो लोग बैठते हैं, क्या बोलते हैं? पापा बुला दे, प्यार से बोलू नाम रखा। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है यार। अंकल का नंबर कितना है? मैंने अंकल जी ऐसे नंबर आया, मैथ्स में 90 आया है, केमिस्ट्री में 90, बायो में 60। फार्मेसी करा लो, इसे फार्मेसी करा लो। फार्मेसी करा लो। तीसरे अंकल क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ जाते रहते हैं, बनियान उठा के वैसे ही।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जैसे बंदे उस टाइम पे क्या करें, उन सिचुएशन में क्या रिएक्ट करें उनके लिए, जैसे वो साथ में मंडली बना लेते उस टाइम टूट जाते उनकी मंडली को तोड़ दो, आपस में फूट पड़वा दो उन लोगों ने, एक बोलते हैं फार्मेसी करो, एक बोलते हैं इंजीनियरिंग करो, तो आप बोलो अंकल मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और उन दोनों को आपस में लड़वा दो, डिवाइड एंड रूल, सीधा सा फंडा है। इन्होंने फार्मेसी का बोला था, फिर उन्होंने एक बार ये भी बोला था, इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना है, मैंने अंकल मैं ना एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं तो सोचा था कि मैं तेरे को अपनी लड़की से मिला था कि तू तो उसे राय देगा क्या मैं तुझे नहीं मिलाऊं ऐसा क्या कर रहे हो आप, एक इंसान बेचारा एक्टिंग ही तो करना चाह रहा है, भाई लोगों की क्या हो रहा है हमारे इस कंट्री में, देश में क्या हो रहा है, एक्टिंग करता हूं वैसे मैं, नहीं किसकी पियक्कड़ लोगों की दिखाना जरा मंगाऊं आपके लिए कुछ उसके लिए मतलब कैरेक्टर में आने के लिए, ऐसे ही अंदर से दारू पीना ना बहुत गलत चीज होती है, क्योंकि दारू पीने से लीवर, मैं उधर बैठूंगा उससे मेरी बात सुनेंगे सर की कोई नहीं सुनेगा, आज मैं बोलूंगा दुनिया सुनेगी, दुनिया बोलेगी मैं नहीं सुनूंगा आपको दिखा के पीऊं या ऐसे घूर रहा बेशर्मा, मतलब मुंह तो नीचे कर लो, पानी है, अरे दारू है, पानी से इतनी एनर्जी कहाँ आएगी, सबको मोटे पतले का बहुत होता है, मुझे भी है, तो एक बार मैं खड़ी थी तो वहां पे दो लड़कियां जा रही थी, तो मेरे से कह रही ए देख देख स्केलेटन दिखाऊं तुझे मैं, देख रही कौन था वो बदतमीज इंसान सर, दो लड़कियां थी फिर आपने कुछ कहा नहीं उनको, नहीं सर बजा दी तो क्या, तुम्हारे स्केलेटन पे इतना गोश्त कहाँ से आया है मोटी थी तो बोल सकते थे और सर जैसे स्कूटी चलाते तो पता है एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, तो कह रहे कि ये बताओ स्कूटी किसकी है, मैं सर मेरी, झूठ मत बोलो स्कूटी किसकी है ये, सर मेरी स्कूटी है, ये देखो बच्चे देखो किसे झूठ बोलते हैं, देखो किसे झूठ बोलते हैं, फिर ऐसे में जा रही थी एक अंकल बोले कि मेरी मतलब खोपड़े घुमाए कह रहे रोटी क्यों नहीं खाती एक मिनट ये ज्यादा हो गया, मतलब आप वहां पे थे और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया और खोपड़ी भी घूम गई पूरी, मेरे घर आके बताया मम्मी गई ऐसे थोड़े ना होता ऐसे, मैं कहा मम्मी सच में ऐसे करी तू ना मुझे ऐसे करा, और मैं वो कौन थे अंकल, जान पहचान के थे वैसे ही कोई, पता ही नहीं वो ऐसे ही छूके चले गए अंकल अजीब जी, मतलब किस्सा होता रहा था क्लास में, एक बार मैं छोटी थी तो पनिशमेंट में खड़ा कर दिया, मैं बहुत रोई इस बार, लेकिन अब ऐसा होता है मैम कहती है जिसको बात करें क्लास से बाहर जाओ, मैं सच में चली गई, तो करी कितनी बेशर्म लड़की है और मैंने बोला मैम आपने तो कहा था, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर, मैं क्रिएटिव फील्ड में इसलिए जाना चाहती थी बिकॉज एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पीछे भी आई कैन क्रिएट अ स्टोरी कि वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त या वो क्या कर, लाइक एक पिक्चर बनाया अगर तो उसके पीछे तुरंत यूं एक स्टोरी कहानी बन गई कि मतलब कहानी और उसके पीछे क्या है, जैसे आपका माइक अभी हाथ में है, माइक क्या सोच रहा होगा, मेरे को आप जगह जगह क्यों नहीं बांट रहे, कितनी देर से एक इंसान ने पकड़ रखा है मेरे को, नहीं लेकिन इंसान अच्छा है तो माइक तो खुश हो रहा होगा, वैसे मेल है क्या है, मेल है माइक होता है, माइक होती थोड़ी है माइक खुश हो गया, हटाना चाहती हूं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि इफ यू रियली वांट समथिंग यू डिटरमाइंड टू गेट इट यू कैन आस्क इन माय नेम द लॉर्ड्स नेम एंड यू विल गेट इट, आपने खुद अपने सेशंस में बहुत बार ऐसा बोला है दैट इफ यू रियली वांट समथिंग यू ट्राई फॉर इट यू विल गेट इट, डू यू रियली बिलीव कि अगर हम सच में वो चाहें सो वी कैन गेट इट, कितने चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, बहुत तगड़ी मेजोरिटी है आपके पास, अब आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होगी बंदा सही लगता है पर नहीं हूँ, तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ऐसा बाइबल में लिखा है, और सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा है और भी बहुत लोग बोलते हैं, डायलॉग भी है एक मूवी का कि अगर किसी को हम हाँ किसी चीज़ को हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उस चीज़ को हमसे मिलाने के लिए लग जाती है, व्हाटएवर, बट इसको अगर आपको एक्चुअल में समझना है कि कैसे होता है साइंटिफिकली, एक तो है कि हम मान रहे हैं, मानना मतलब क्या होता है अंधविश्वास, कुछ भी मान रहे हैं और फिर प्रैक्टिकली बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है, चाहते तो बहुत लोग बहुत कुछ है, सिर्फ एक्शन से भी कुछ नहीं होता है, जब हम चाहते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को या कुछ भी हम चाह रहे होते हैं तो होता क्या है, हमारी जो थिंकिंग है वो उस डायरेक्शन में चलने लग जाती है, अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो पागलों की तरह
उस तरह भागते चले जाते हैं बिना अपना दिमाग लगाए. दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स टू गेट इट, दे जस्ट वॉन्ट इट बाय एनी मीन्स, बट दे आर नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट कि रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का. समझे, जैसे इट्स जस्ट दैट कि वो हमारी मंजिल है, किसी चीज को हम चाह रहे हैं, कुछ भी, दैट इज अ डेस्टिनेशन. बट उसके बारे में हम कितना भी चाहें, एक बात हमको बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि वो डेस्टिनेशन खुद चल के हमारे पास नहीं आने वाली. इस पे ना काम करके, यानी कि अपनी चाहतों पे ना काम करके, अपने आप को इस लायक बनाओ कि दुनिया में जो भी चीज आपको चाहिए, जहां तक भी आप सोच सकते हो, उससे लाख गुना ज्यादा खुद चल करके आपके पास आ जाए. हाय सर. हाय जी. एक्चुअली मैं कुछ करना चाहता हूँ, बिजनेस या फिर जॉब, जो भी हो सकता है, बिकॉज सब लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते, मेरा जॉब कौन करेगा. ऑब्वियसली दोनों में से कुछ भी, जो भी हो सकता है. तो सर वो कन्फ्यूजन्स काफ़ी हैं. तो वो होता है ना कि चार नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, कब गिरेंगे नीचे कभी ना कभी, तो अभी वो बस टाइम आने वाला है. ये आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, जॉब बिजनेस की बात कर रहे हैं? सर शादी हो चुकी है. अच्छा शादी हो चुकी है, उसके बाद भी तीन और हैं. सर पिकाओगे क्या घर जाके? सर मैंने सारी वीडियोस देखेंगे, तो थोड़ा सा नया जवाब देना सर प्लीज. बिल्कुल नया दूंगा आपको, आज से पहले मैंने दिया ही नहीं होगा ऐसा जवाब. जवाब दे, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन. सुनकर देखो, आज ये राज पास हो ही जाना चाहिए. कई सेशन में मेरे से पूछा जाए, पानी नहीं है वैसे, लेकिन क्या है अब कोई देखते कौन बता पाएगा. सर मुझे आइडिया है सर, सर मुझे आइडिया है. ग्रीन टी नहीं है. पी लिया भाई साहब ने? नहीं, पीने के बाद भी नहीं बताया. सिनेमन नहीं है और कुछ? सब हार गए. लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हिम भाई साहब. अब वही थे ना जिनके मैंने भी पैर छुए थे. अरे अरे गुरुजी कहाँ हो? अरे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी. प्लीज बैठिए. आप कुछ बोलना चाहते थे ना? बोला है. आइए स्टेज पे, माइक लीजिए, मैं वहां पर आ रहा हूँ.